हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 दैट इज इंटीग्रल और एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं। और आपको जैसे पता है हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और उसकी पहली फॉर्म से रिलेटेड ही आज भी हम लोग दो क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें क्या था कि जो ऊपर इक्वेशन है वो या तो कॉन्स्टेंट हो या फिर लीनियर बने और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हो तो हम लोग कैसे उसे इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट आपके पास ये गिवन है, इसे हम लोग आप देखिए कि ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे भी लीनियर फैक्टर्स बने हुए हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस टू एंड सी अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स, लेट मी से वन, यानी कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है और अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ए बी एंड सी फाइंड करना। देखिए क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन भूल जाओ, वो हम लोग ए बी सी निकाल के डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट कैलकुलेट कर देंगे। सबसे पहले क्या है मेरे पास, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। अब आप इन तीनों का जब एलसीएम लोगे यू विल गेट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तो ए की मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री के साथ, क्योंकि एक्स माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी की मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री के साथ, और c का मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू के साथ। तो ये हमने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यानी कि x इज इक्वल टू, इसे आप लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। आपको जैसे प्रीवियस सम्स में किया है हम लोग आसान तरीके से करेंगे। अब हमें ए बी और सी निकालना है, पहले ए पे फोकस करते हैं। अगर ए निकालना है तो मुझे बी और सी जीरो करने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आप बी और सी में देखो कि एक्स माइनस वन जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यानी कि मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू वन पुट कर दी जाएगी। इससे क्या होगा, देखिए इधर वन हो जाएगा लेफ्ट साइड, a का a है 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, अब 1 माइनस 1 करोगे 0, ये टर्म खत्म हो गई, 1 माइनस 1 0, ये टर्म भी खत्म हो गई, यानी कि b और c हमारे रास्ते से हट गया है, अकेला हमारे पास a रह गया है, तो ये आपके पास बन गया है माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 2, तो यानी कि a हमारा 1 बाय 2 कैलकुलेट होकर आ गया है। तो अपन इधर लिख लेते हैं साइड में a की वैल्यू है 1 बाय 2। उसके बाद अब इसको अपन अप करते हैं, अब हमें b कैलकुलेट करना है, अगर b कैलकुलेट करना है तो मुझे a और c को जीरो करना है। ए और सी में आप देख सकते हो कि जो एक्स माइनस टू है वो एक कॉन्स्टेंट मतलब सॉरी कॉमन टर्म आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, टू पुट कर देंगे, तो एक्स आपका टू हो गया, टू माइनस टू जीरो, तो ये टर्म खत्म हो गया, टू माइनस टू जीरो, सी वाला टर्म भी खत्म हो गया, अकेला आपके पास बी वाला टर्म बचा है, टू माइनस वन वन, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास b की जो वैल्यू है वो आ गई है माइनस का 2, तो हम लोग इधर लिख लेते हैं b की वैल्यू आई है माइनस का 2। अब हमारा लास्ट काम रह गया है c की वैल्यू फाइंड करना, तो c के लिए हमें a और b जीरो करने हैं। अब a और b में आप देख सकते हो कि जो x माइनस थ्री वाले टर्म है वो कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को 3 पुट कर देंगे, तो 3 पुट करने पे a और b वाला टर्म सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ c वाला टर्म बचेगा,
3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो आपके पास ये c की वैल्यू बन गई है 3 अपॉन 2, ये हमारे पास c की वैल्यू बन गई है 3 अपॉन 2। तो इस तरीके से a, b और c जो है वो हमारे कैलकुलेट होकर आ गए हैं। अब हम लोग ये सारा इरेज कर देंगे और जो इक्वेशन 1 है उसकी तरफ हम लोग अब चलेंगे। a, b और c की वैल्यू 1 पे पुट कर देंगे, a की जगह पे लिख देंगे 1/2, कांस्टेंट है तो बाहर लिख दो, b की वैल्यू -2 तो -2 बाहर, और 1/(x-2)dx, c की वैल्यू 3/2 तो उसे भी अपन क्या कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। इस तरीके से बन गया। अब देखोगे आप हर टर्म में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमिनेटर है, x माइनस 1 का भी डेरिवेटिव 1 है, x माइनस 2 का भी और x माइनस 3 का भी। जब डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ जो भी होता है, यानी कि यहाँ पे x माइनस 1 है, इधर आप लोगों का x माइनस 2 है और इधर x माइनस 3 है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c हम लोग रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। 1/2 -2 3/2, यस वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। तो ये फोर्थ पार्ट आप लोगों का डन हो गया। Now we are going to do question number 5th. तो अब आप लोग देखिए, जो हम लोग फॉर्म की बात कर रहे थे वो उस फॉर्म में नहीं आ रहा, यानी कि हमें पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर वो हो सकता है जिस फॉर्म की हम लोग बात कर रहे थे। पहले तो यही चेक करें कि ऊपर वाली जो डिग्री है या जो पावर है वो नीचे वाले से कम होनी चाहिए, ये बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन है हमारे पास। अब क्या हम लोग इसको स्प्लिट करके लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है स्प्लिटिंग मेथड से 3x को x प्लस 2x लिखा जा सकता है, x कॉमन निकालोगे तो x प्लस 1, x प्लस 1 तो ये आपके पास बनेगा x प्लस 1 x प्लस 2 dx। तो आप देख सकते हो ऊपर एक लीनियर फंक्शन है और नीचे भी लीनियर फैक्टर्स बन गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो फॉर्म अभी डिस्कस करते आ रहे हैं उसी फॉर्म का एक और न्यूमेरिकल हमारे पास है। चलिए अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 को a अपॉन x प्लस 1 एंड b अपॉन x प्लस 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको इस तरीके से स्प्लिट कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको वन लेट कर लो a और b के लिए। अब हम लोग इंटीग्रल को भूल जाएंगे और a और b निकालने पे अपना ध्यान फोकस करेंगे। तो a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एलसीएम टेक ओवर करना है। x प्लस 1 x प्लस 2 तो a का मल्टीप्लाई x प्लस 2 और b की मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ हो गई। डिनोमिनेटर तो दोनों जगह पे कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद a x प्लस 2 b x प्लस 1। जो मेथड हमने प्रीवियस यूज किया पिछले क्वेश्चन में वही हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं।
अगर मुझे a निकालना है तो b जीरो होना चाहिए, और b जीरो कब होगा, अगर x को मैं माइनस वन पुट कर दूं, तो यानी कि व्हाट आई विल डू, आई विल पुट x इज इक्वल टू माइनस का वन, उससे क्या होगा, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस टू प्लस का वन, और ये आपकी टर्म जीरो बन जाएगी। तो यानी कि a की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस का टू, तो यानी कि a जो है वो मेरा निकल के आया है माइनस टू। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, b, b अगर निकालना है तो a को जीरो होना पड़ेगा, और ये जीरो कब होगा, जब x को मैं माइनस टू पुट करूंगा, तो यानी कि आई विल पुट x इज इक्वल टू माइनस का टू, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, ये आपका जीरो बन जाएगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो यानी कि b की वैल्यू बन गई मेरे पास फोर। तो यानी कि यहाँ पे जो b है वो क्या आ रहा है मेरे पास, फोर आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे a और b निकालने थे, वो मेरे कैलकुलेट हो गए। अब अपना क्या करेंगे, सिंपल इंटेग्रेशन कर देंगे। 41, 1 आपकी ये रही, तो माइनस टू बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, और इधर फोर कांस्टेंट आ रहा है। अब नीचे जो है ऊपर डिनोमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर में जो डेरिवेटिव है वो ऊपर है, तो यानी कि सिंपली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग एक्स प्लस वन, और इधर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज सी। तो ये हमारा आंसर आ गया है, चेक कर लेते हैं, अगर कुछ चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे। 7.5 4 log x plus 2 minus 2 log x plus 1 plus c. Okay, this is correct answer. ये बिल्कुल आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारी जो फॉर्म है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो वो डिस्कस हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आपको उम्मीद है कि ये दो क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।